हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉकर सिविलियन। तो आज बेसिकली मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जो आज का जो टॉपिक है वो, अगर जैसे रोलर चल रहा है सबग्रेड के ऊपर, तो उस टाइम में एज अ सिविल साइट इंजीनियर आपका कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आपको सुपरवाइज करना है ताकि जो मेरा काम है वो परफेक्ट हो, ठीक है, 100% इफिशेंसी से हो। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक रॉकर सिविलियन को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी नए नए वीडियो मैं डालूंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और एक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट से, तो वहाँ पर जाइए और वीडियो देखें, ठीक है। तो आज फील्ड सुपरविजन टिप्स व्हाइल कॉम्पैक्शन ऑफ सबग्रेड फॉर सिविल साइट इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, सपोज ये मेरा रोड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। रोड का मेरा क्रॉस सेक्शन है, जब भी अगर रोलर यहाँ पे चल रहा है तो एक ये चीज़ देखना होगा। जो जनरली जो साइड पे हम यूज़ करते हैं वो दो टाइप्स का रोलर यूज़ करते हैं। एक होता है जो स्टैटिक रोलर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टैटिक रोलर का जो व्हील होगा वो आगे भी होगा, एक पीछे भी होगा व्हील, ठीक है, दोनों साइड व्हील होगा, आगे होगा पीछे होगा, ड्रम टाइप का रहता है, ठीक है, स्टील का रहता है। तो ये आप उसका जो कैपेसिटी जनरली होता है 8 to 10 tons, जो स्टैटिक रोलर का मैं बात कर रहा हूँ उसका कैपेसिटी होता है 8 to 10 tons। और दूसरा जो हम रोलर यूज़ करते हैं वो एक होता है वाइब्रेटरी रोलर। तो जो वाइब्रेटरी रोलर होता है एक वाइब्रेटरी रोलर, उसको आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। वाइब्रेटरी रोलर आप जब कभी भी देखिएगा सिर्फ उसका जो व्हील होगा सिर्फ आगे में होगा उसका व्हील, वो काफ़ी हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक रोड रोलर, ठीक है। तो वाइब्रेटरी रोलर एक दो टाइप का रोलर होता है, और एक तीसरा होता है पिनेमेटिक रोलर, तो जो कि जनरली बड़े बड़े कंपनी सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जनरली दो टाइप्स का हम यूज़ करते हैं साइड पर। तो अब एज अ साइट इंजीनियर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी रोड रोलर यूज़ हो, चाहे वाइब्रेटरी रोलर यूज़ है, ठीक है, तो सबग्रेड के पोर्शन में कभी भी वाइब्रेटरी रोलर यूज़ नहीं किया जाता है, उसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर सॉइल में अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो, हमको उसको ड्राई करना है, ठीक है, तभी हम वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करेंगे। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक रोड रोलर यूज़ करेंगे। ये आपका पहला टिप्स है। दूसरा टिप, जब भी अगर रोलर यूज़ होए तो सबसे पहले रोलर को यहाँ से स्टार्ट करना है, एक इनर पोर्शन से स्टार्ट करना है। यहाँ से करते 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 स्टार्टिंग जो पहला जो स्टार्ट होगा रोलर वो काफ़ी फास्ट में होगा, उसके बाद स्लोली करते क्रॉस फॉल तक आना। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं क्रॉस फॉल, ये पूरा इसको कैम्बर, ये पॉइंट है क्रॉस फॉल, यहाँ से डाउन हो रहा है, यहाँ से डाउन हो रहा है, ठीक है। तो रोलर जो स्टार्ट होगा वो इनर पोर्शन से होगा और इनर से करते करते इनर टुवार्ड्स टू द क्रॉस फॉल इस पॉइंट तक होगा। अगर इस साइड अगर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये मैं बताऊँगा कि आप सपोज रोड सरफेस में आप सबग्रेड डाल दिए, ठीक है, सबग्रेड डालने के बाद रोलर हो गया, उसके बाद जीएसबी का पोर्शन आता है। जीएसबी के टाइम में मेटल डाल दिए, ठीक है, उसके बाद साइड में एक रोड के साइड में एज में एक साइड बम डाला जाता है, जो कि वो ड्राई सॉइल यूज़ किया जाता है उसमें। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब भी मेरा अगर रोलर चले तो रोलर जो स्टार्ट होता है वो इन पर एज से शुरू होता है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे,
जो मिट्टी डालेंगे, ताकि क्या करेगा रोलर जो इस तरह से जो इधर जो पुश करेगा उसको रोकेगा, ठीक है। तो साइड बम्प का काम यही होता है टू रेजिस्ट द मेटल्स, मतलब इस यहाँ को मेटल्स को सेपरेट नहीं किया जाता है, ठीक है। रोलर यहाँ पे भी चलेगा लेकिन यहाँ का जो मेटल को जो सेपरेट, अगर हम साइड बम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, सेपरेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आप एक चीज़ चेक करें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि रोड का लेवल आपको चेक करना है, ठीक है। कहीं पे सरफेस रेगुलरिटी का जो बात होता है, सरफेस लेवल आप चेक करें, कहीं पे हाई हो रहा है कि डाउन हो रहा है वो आप देखें, ठीक है। ये चार पॉइंट था जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप एज अ साइट इंजीनियर काम करेंगे तो वो चीज़ आपको देखना होगा। रोलर का जो बात है वो हर सरफेस में यही होता है, हर सरफेस में यही होता है, चाहे सब ग्रेड हो, GSB हो, बेस कोर्स हो, सरफेस कोर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और शेयर तो बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए वीडियो लाने वाला हूँ जो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।